अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये मेरा वी लॉग खाने के पीछे मत भागा करो इसके ऊपर है। मैं बड़े अरसे से ये सोच रहा था कि इसके ऊपर मैं अपना वी लॉग बनाऊंगा, और एक वी लॉग के अंदर ये मैं टॉपिक कवर नहीं कर सकता, लिहाजा इसकी कुछ मैं सीरीज़ बनाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत हार्ड किस्म के हकायक हैं जो मैं आप तमाम तक पहुंचाना चाहता हूं। इसके अंदर दर्द भी है, इसके अंदर मोटिवेशन भी है, और इसके अंदर वो ऐसी चीज़ें हैं जिस जो आपका दिल चीर के रख देंगे। देखिए, हम लोग जब भी छोटी सी मिसाल है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली मैं बात करूंगा, मुझे और किसी से गर्ज नहीं है, मुझे अपने मुल्क से है, कि शादियों में अक्सर आप देखेंगे कि लोग बैठे होंगे, द मोमेंट ऐलान किया जाता है कि खाना खुल गया है, तो हकीकत बात यह है कि हम जानवरों से भी बदतर हालत में दौड़े लगाते हैं, जाके वो डिशों के अंदर ही शुरू हो जाते हैं, और फिर जहाँ पे देखें आपकी खाना खाने के लिए अलग चेयर लगी हुई हैं, टेबलें लगी हुई हैं, खाना डालने की अलग टेबलें लगी हुई हैं, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि उन्हीं डिशेस के पास ही उधर ही खड़े होकर खाना शुरू कर देते हैं और दूसरे को खाना डालने का मौका नहीं देते, वहाँ से हिलते ही नहीं हैं। तो याद रखिएगा मेरे लोगों, जो जो भी इस किस्म की बीमारी से क्या कहते हैं पेशेंट है, तो मैं उनके लिए कि खुदा के लिए ये याद रखो कि ये आपका आखिरी खाना भी हो सकता है। मत भागा करो अपने खाने के पीछे, कितना खा लोगे, कितना जी लोगे, अगर एक के बजाय चार प्लेटें खा जाओगे तो वो आपके लिए खाना नहीं है, वो जहर बन के लगेगा। तो आप थोड़ा डालो, थोड़ा डालो, बार बार डालो, जब तक पेट नहीं भरता आप खाओ, लेकिन आप प्लेट के अंदर यहाँ तक मंजर बना लोगे, वो शायद खाया ना जाए तो खाना ज़ाया होगा, वो किसी गरीब के भी आ सकता है। आप खुद सोचिए, जो परिंदे हैं सुबह उठते हैं ना, तो उनको खाना मिल जाता है, पेट भर के वो घर जाते हैं। कभी देखा है कि परिंदे को चूँच मारते हुए अपने पंजों से भी खाना निचोड़ रहा होता है, मुंह से भी, वेरैस हम लोगों को अल्लाह ताला ने हाथ भी दिए हैं, मुंह भी दिया है, लेकिन क्या है, हमारी कोशिश होती है कि जेब के अंदर भी डाल लो, जैसे भी हो खाना मैक्सिमम ले लो। ये तो एक छोटी सी मैं मिसाल दे रहा हूँ। ये जो जलसे होते हैं जहाँ पे आप लोगों को बिरयानी सर्व की जाती है, कभी सोचा कि ये मुर्दा जानवरों की बिरयानी हो सकती है? कभी सोचा कि ये हलाल के जानवरों की क्या कहते हैं बिरयानी नहीं होगी? ये लोग याद रखिएगा, ये जो पॉलिटिशियंस है ना, ये आपके सेंटीमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, आपकी जो बुरी हरकत है ना उसको यूटिलाइज करते हैं। आप लोगों को उनको पता है कि आप लोग खानों पे ऐसे टूटोगे जैसे जिसकी धार नहीं। उनको एक स्ट्रेंथ शो ऑफ करनी होती है आपकी प्रेजेंस में, आपको इकट्ठा करते हैं, मुदारी तमाशा लगाते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं कि देखो कितने लोग हमारे साथ हैं, उसके बाद आपको वो खाना खिला देते हैं। ये याद रखो, एक प्लेट आपको खाना खिलाते हैं तो आपके अंदर से 1000 प्लेट वो निकालते हैं। तो ये तो जो चीज़ें ना, ये छोटी छोटी चीज़ें कि जो मिलता है वो छीन लो, बकाया को मारो गोली। मेरे पास ऐसे ऐसे व्यूज़ हैं, बच्चे, हकीकत बात ये है कि वो देचकी में हाथ डाल के, बच्ची है, खाली देचकी है, खाली, उसके अंदर हाथ डाल के मुँह में डाल रही है, उसको कुछ ना कुछ खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, देचकी के अंदर कुछ भी नहीं है, उसके हाथ में जा रहा है वो भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो अल्लाह की कुदरत, हो सकता है उसका पेट भर रही हो, अल्लाह बड़ा बेनियाज है उसके, उस बच्चे के पता कितना पेट। देखिए जरा,
असां जे बचण जा ई हाल त बूढ़ मुतासिरनि जा तव्हां ॾिसो वधीक पाण अहसासु अचे मन। आपने देख ली वीडियो, आप खुद सोचिए कि उसकी जात कुछ ना कुछ तो दे रही होगी उसको। मैं हकीकत बात यह कि इतना रोना आता है अपने पाकिस्तान में, गरीब लोगों को खाना नहीं मिलता, बच्चों को खाना नहीं मिलता, लेकिन हम लोग जो है वो हकीकत बात यह है कि जो एक वक्त का खाना जो है ना, हम वो खा के पूरा दिन गुजार सकते हैं। तीन वक्त का खाना होता है, हम तो लाहौर में मैंने देखा चार पांच खाने भी हो जाते हैं। क्या मेरे पाकिस्तान के लोगों, क्या आप इस खाने में से उन गरीबों के लिए हिस्सा निकाल सकते हो? कभी हिस्सा निकाल के देखो, अल्लाह ताला आपके रिस्क में कितना इजाफा करेगा। लेकिन वो रिस्क आपने खुद देना है, ये याद रखिएगा। वो जो आप राशन बांटेगा, खुद बांटे जाके, किसी मौलवी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ना दें, वो खुद खा जाएंगे। ये कन्फर्म है, कोई भी ऑनेस्टी नहीं है, कोई ऑनेस्टी नहीं है। अगर ऑनेस्टी होती तो ये जो पाकिस्तान का हमारा 130वां नंबर है दुनिया में ईमानदारी में, 130वां। हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम बड़े प्राउड से कहते हैं। आपको को हमें को कहना तू काफर है, हम उसको कत्ल कर देंगे, मार देंगे, जान से मार देंगे। लेकिन इस्लाम से हम कोसों दूर हैं, कोसों, बेनामी मुस्लिम है और कुछ भी नहीं है। वो हमें खिलाने वाले वो खुद हराम खा रहे हैं, मस्जिदों में बैठे हुए दुकानें खोली हुई हैं, छोटी छोटी चीजें बेच रहे होते हैं, कोई तवीज बेच रहा है, कोई दम बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, अल्लाह माफ करे लोगों। मेरे मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आप खुद खुद अपने टीचर बनो, खुद अपने अंदर वो दर्द पैदा करो, खुद थोड़ा सा सफर करो, थोड़ा सा पैदल जाओ उन गरीबों के घरों तक, खुद थोड़ा सा चल लो। मत मत एक्सपेक्ट करो कि कोई आपका जिसको आप दे रहे हो पैसे वो आगे देगा, मत कीजिए, ये सब ठग चोर हैं। मैंने अभी तक पाकिस्तान में कोई भी रिलीजियस लीडर कोई ऐसा नहीं देखा जो ईमानदार हो, कोई भी मौलवी अभी तक मैंने नहीं देखा, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं आपको सच बता रहा हूं, किसी भी फिरके का, किसी भी मजहब का, सब चोर, डाकू। वो मर्सिडीज S600 से निकलेंगे, ब्रांड न्यू मॉडल की मर्सिडीज उसके सदर से निकलेंगे, स्टेज पे चढ़ेंगे, सादगी के ऊपर सबक लेसन देंगे, वो रवाना हो जाएंगे। कई मौलवी आएंगे, वो ऐसे ऐसे हिलते जाएंगे, डांस, लोग अल्लाहू अल्लाहू नोटों पर निछावर कर रहे थे। यार वो भी इंसान है आपकी तरह का, उसको मत अल्लाह बनाइए, नौज बिल्ला। यार अल्लाह जब आपके शारक नजदीक है उसको देखो, वो पैसा उसको उस झूठे फरेबी मकार को दगाबाज को दे रहे हो, वो जाओ यार जाके किसी गरीब को खाना दो, किसी के पेट पाल दो यार, किसी के यतीमों का ख्याल कर लो। वो मैदियां लगा के दाढ़ी लगा के आ जाते अल्लाह करने के लिए, ढोंगियां हैं सारी। उस रब, जब रब आपके पास है, खुद रब आपके पास है, यहां पे यार, यहां पे जब रब आपके पास है, आप कहां जा रहे हो किसी इंसान के पास? क्यों उस इंसान के ऊपर नोट निछावर कर रहे हो? वो हड्डा हराम है, वो आपको आपको चक्कर दे रहा है, आपको फुदू खाता बनाया हुआ उसने माजा गाजा नोट इकट्ठे करने का। ये तमाम चोर है, ढोंगी है, किसी पे मत यकीन कीजिए। आप गौर कीजिएगा, कोई इनमें से मौलवी हो, कोई भी रिलीजियस टीचर हो, कोई फिरके वाला हो या कोई मजहब का, सब चोर है, सब अपने खानदान को रोटियां लगाई हुई हैं, बस खाए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, गरीबों का कोई ख्याल नहीं करता। यहां पे भी कोई अमीर आएगा ना तो ये मौलवी उठ के उसको मिलेगा, ऐसे करके चप्पी डाल लेगा। जो गरीब आएगा तो उसको हाथ भी नहीं मिलाएगा, नोट उसे ले लेगा। ये चोर है। तभी तो हमारा पाकिस्तान का 130वां नंबर ऑलमोस्ट एंड पे है, हम एंड पे, हमें ना ना कोई ईमानदारी है, ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सच है। अल्लाह माफ कर, मैं तबलीगी जमातें जाती हैं दूसरे मुल्कों के अंदर, उनको जाके कहते हैं कि जनाब आप हमारी तरह के मुसलमान बन जाओ, वो लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे से बड़ी बातें होती है ना, वो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, खुद 130वें नंबर पे हैं
और हमें कहते हैं हमारा मजहब कबूल कर लो, ना ऑनेस्टी है ना कुछ भी नहीं है, खलाक, हर चीज फिनिश है। हमें बहुत जरूरत है, हम हकीकत हमें बहुत जरूरत है, मेरे मेरी बहनों बेटियों माओ, खुदा के लिए प्लीज आप हमें आप सब मेरे समय कर, मेरे समय सबको हमें मोटिवेशन की हदायत की सख्त जरूरत है। जब तक हम इन मौलवियों के या ये मजहबी लीडरों के पीछे लगे हुए हैं ना, आप यकीन कीजिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम अल्लाह से कम और इन लोगों से ज्यादा लगाव रखते हैं, ये फैक्ट है। जब कह रहे हैं कि अल्लाह में आपके शहर से उसको नहीं जाएंगे और उसको तरफ जाएंगे, तो अगर इसकी जो रोटी है बचा लें, आप लोगों को दें, गरीबों को दें, वो कितनी आपको दुआएं देंगे, कितने खुश होंगे आपसे। वो बच्चे मैं बता रहा हूँ, वो देश की, आपने देखी ना वीडियो, क्या है उसके अंदर। वो एक मेरे पास वीडियो और भी है, मैं देखता हूँ, अगर मिल गई तो मैं इस वीडियो के एंड पे वो लगाऊंगा। को बच्चा घास खा रहा है, घास, शायद अल्लाह ताला ने उसके अंदर भी उसके लिए को विटामिन मेडिसिन तैयार बना दी हो, को खुदा की जात तो देती है ना, वो हमें उसका उसकी वो हमें अगर पैदा कर सकता है तो वो हर चीज दे भी सकता है, तो वो अल्लाह के करिश्मे है। उसमें इंसान का कोई हक नहीं है, इंसान का कोई करिश्मा नहीं है, वो अल्लाह अल्लाह याद रखिएगा, और अल्लाह आपके अंदर है। तो बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि खाने के पीछे मत भागो, ये आपका आखिरी खाना भी हो सकता है। खाने के पीछे मत भागो, ये आपका आखिरी खाना भी हो सकता है। वो काम करो जो आपके ज़मीर, जो खुदा ताला को पसंद है, खुदा की खुशनूदगी के लिए काम कीजिए, अल्लाह की जन्नत के लिए, अल्लाह की दोज़ख से डरते हुए नहीं, अल्लाह की खुशनूदगी के लिए। बस इतना याद रखिए, जब आपका ज़मीर आपको खुद शाबाश दे देना, फिर आपको किसी शाबाश की ज़रूरत नहीं है। हम सबको अल्लाह ताला हदायत दे, अल्लाह ताला के कहने पे चलें। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पंजाबाद, अस्सलाम वालेकुम।